तो दोस्तों एनम छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आप लोगों के लिए कोर्ट से क्या नई अपडेट आई वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। अब आप लोगों को एग्जाम के आधार पर देखने को मिलेगा या फिर काउंसलिंग के आधार पर होगा, सारी चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, कुछ डिटेल है यहाँ पर। प्रक्रिया शुरू होने के बाद में नियमों बदलाव नहीं किया जाएगा, और 2018 नियमावली में क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम पर होगा कि काउंसलिंग पर, सारी डिटेल आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कोई भी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अनुसार, ठीक है। अब दोस्तों आपको सीधी बात, यहाँ पर क्या जजमेंट आया है, फिलहाल जजमेंट 16 पेज का यहाँ पर जजमेंट है, ठीक है। PDF है मेरे पास, और उसमें फ़िलहाल यही कहा गया है कि प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको बताते हैं, कोर्ट से यही फिलहाल अपडेट आ रही है। अब बहुत ज़्यादा चांस है कि जितने स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ रही काउंसलिंग के आधार पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एग्ज़ाम के आधार पर होना चाहिए कि काउंसलिंग के आधार पर होना चाहिए। कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।